जनपद आगरा के जोकी थाना क्षेत्र स्थित गांव कोलारा कला प्राथमिक विद्यालय में बाल पखवाड़ा पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें कोलारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, पूर्वी वर्षों में बाल दिवस 14 नवम्बर अर्थात एक ही दिन मनाया जाता था, लेकिन नए सरकारी नियमों के मुताबिक एक दिन के बाल दिवस को बढ़ाकर 15 दिन तक कर दिया गया है। खबर के मुताबिक बाल पखवाड़े में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में पहुंची जनता का मन मोह लिया। इसके साथ ही बच्चों ने कविता पाठ कर और देशभक्ति तराने गाकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र सिंह पटेल और एबीआरसी शमशाबाद पीएन शर्मा ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का आयोजन सहायक अध्यापिका ट्विंकल शर्मा, एनपीआरसी शमशाबाद नीतू आनंद और सहायक अध्यापक जाफरी जी ने किया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ फूड स्टॉल, शैक्षिक प्रदर्शनी एवं विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। हमारे आदरणीय बीएसए महोदय जी के निर्देशानुसार एक बाल पखवाड़े का आयोजन किया जाना था, जिसके जो 14 नवंबर से 28 नवंबर तक होना था। तो इसके लिए मैंने हमारी न्याय पंचायत प्रभारी श्रीमती नीतू आनंद जी से कहा कि हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, मतलब करें कि नहीं। मैंने एक बार इनसे पूछा, इनसे निवेदन किया, तो मैडम ने भी बहुत ही हर्ष मतलब उल्लास के साथ इसका मतलब बोला कि हाँ बिल्कुल इस कार्यक्रम को हम कर सकते हैं, तो कोशिश करके देख सकते हैं। पहली बार हमने इस प्रोग्राम को किया है, आगे भी ऐसा प्रोग्राम हम करते रहेंगे। अच्छा, बच्चों का जो परफॉर्मेंस रहा है, क्या कुछ कहना है कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल में आमतौर पर देखा जाता है जो कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें बच्चे बहुत बेहतर करते हैं, बजाय सरकारी स्कूल के जो आज यहाँ पर जो देखने को मिला वो बिल्कुल विपरीत था। लग रहा था कि ये किसी सरकारी स्कूल का प्रोग्राम नहीं है, इतना अच्छा प्रोग्राम बच्चों ने किया है। तो क्या कुछ कहना है बच्चों के लिए आपके? सर, असल में हमारे पास थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब हमने सभी टीचर्स ने 500-500 रुपए इकट्ठे करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की है। वैसा हमारे पास कोई कुछ मतलब मद नहीं था जिसके थ्रू हम इस प्रोग्राम को कर सके, लेकिन हमने अपने स्तर पे इसको करने की कोशिश की है और हम अपने स्कूल के स्तर पे कराते आ रहे हैं इन सब प्रोग्रामों को। बच्चे अच्छा करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम इसको न्याय पंचायत स्तर पे आगे ब्लॉक स्तर पे कराने की कोशिश करेंगे, और ये सब हम अपने ही से कर रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से और हमें कुछ योगदान दिया जाए तो शायद ये प्रोग्राम और ज्यादा और बेहतर हो सकता है। ठीक, धन्यवाद।